फिरे यार भूतेश्वर अखाड़ा, फिरे पहलवान और भूतेश्वर अखाड़ा। उन्होंने कमेटी को 21,000 रुपए दे करके सभी का नाते मनोबल बढ़ाया है, उसका वर्धन किया है, बल्कि मल्लों के लिए भी एक अच्छी धनराशि 21,000 दे करके कमेटी का सम्मान बढ़ाया है, सहयोग बढ़ाया है। सभी दूरदर्शन पालों में जाकर के उनका सम्मान स्वागत करें कुमार नारायण जी का, और जो है धर्मवीर पहलवान दो 251,000 की कुश्ती के लिए मल्लों के हाथ मिलवा दिए गए हैं। देखिए अगर ये कुश्ती आर पार हुई तो कुश्ती की कीमत बढ़कर 3,00,000 रुपए हो जाएगी, यानी 50,000 रुपए और प्रधान जी अपने सहयोग से देंगे। कमेटी से अलग, कमेटी से अलग, कमेटी से अलग प्रधान जी 50,000 रुपए और देंगे। इस तरह से मानो झड़ी लग चुकी है इनामों की, लगातार धनराशि 5100 से शुरू हुई कुश्तियाँ अब 3,00,000 और 5,00,000 तक पहुँच चुकी है। कैसे मन में ज्यादा प्रदर्शन करें और बेहतर से बेहतर इनाम यहाँ से बटोर सके। बार बार निवेदन के बावजूद भी जो लोग कमेटी के सामने खड़े हो जाते हैं, लोकेंद्र पहलवान जी से निवेदन करूंगा एक बार मंच पे आ जाए। लोकेंद्र पहलवान जी उनका बहुत ही एक अच्छा अनुभव, नेशनल प्लेयर हो चुकी है, और हमारे गांव के किसान लोकेंद्र सिंह उनका स्वागत करते हुए कौर नारायण सिंह जी से निवेदन करूंगा कि इस बच्ची का मनोबल बढ़ाकर प्रकाश भाई ये हमारे अगर भागवत आचार्य हमारे देवकी नंदन जी को पधारते तो बहुत अच्छा लगता। देखिए 5 मिनट और शेष है इस कुश्ती में, जो कुश्ती चल रही है, और देवकी नंदन ठाकुर जी ने 11 प्रकाश भाई और प्रकाश भाई 11,000 रुपए देवकी नंदन ठाकुर तरफ से समाज भीतर 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 आइए भाई 100 रुपए से सम्मानित 11,000 भावना राजपूत जी को, भावना जो कि यहाँ पे दिखाने आई थी लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कोई और इनके जोड़ का मल यहाँ नहीं पहुँचा। राष्ट्रीय प्लेयर है भावना राजपूत, 2100 रुपए देकर पटु का पहना कर उनका सम्मान करने के द्वारा किया गया। हम आपके सामने जो कुश्ती चल रही है उसमें मात्र 5 मिनट और शेष है। बहुत सुंदर भव्य आयोजन और दूर दराज से आई हुई सरदारी का कोटि कोटि अभिनंदन, स्वागत, वंदन। इतनी भारी संख्या में यहाँ दर्शक पहुँचे, जिले के कोने कोने से यहाँ पे लोग आए, अलग प्रदेशों से यहाँ लोग आए, भाई
सभी से निवेदन कि आप सब चलिए भीतर पहलवान भीतर आयोजन मैं लोकेंद्र पहलवान जी से निवेदन करूंगा। जैसा कि आपने बताया था कि यहाँ हमारे बीच में जो थोड़ा हमारे बीच में जो मल्ल पहुंचे हुए हैं उनका भी कमेटी जो आपके द्वारा स्वागत सम्मान कराना चाहती है उस परंपरा को भी आगे निरंतर रखे। हमारे बीच में जो कोच और खलीफा मौजूद है कमेटी उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है और सम्मान उनका सम्मान कमेटी द्वारा किया जाएगा। कितना अच्छा प्रदर्शन आपके सामने हो जाता है। इस कुश्ती में बहुत भव्य प्रदर्शन बहुत अच्छी कुश्ती आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से इस आयोजन का लुत्फ ले रहे हैं। यहाँ पर आए देश दूर दराज से लोग हर दर्शक हटचकी लगाए मल्लों के प्रदर्शन को देख रहा है लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी कमेटी के सामने जो ये मल्ल खड़े हो जाते हैं असुविधा आप लोग यहाँ जो मंच पर बुजुर्ग बैठे हैं उन्हें ये दंगल नजर नहीं आ रहा है। हमारे सुनाए पहलवान और धनाधन पहलवान और जैसा कि और बाकी सब को ढाला भाई मात्र एक मिनट और शेष है इस कुश्ती में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों मल्ल अपनी कुश्ती का प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर दर्शक भाई समझ यहाँ पर बुजुर्ग